बड़ी खबर मिल रही है केकड़ी से। केकड़ी शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सक्रिय बदमाश कैलाश प्रजापत उर्फ बाबा को अवैध हथियार एक देसी पिस्टल जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खेम सिंह के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक केकड़ी शहर राजवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार, सहायक उप निरीक्षक राम सिंह, कांस्टेबल रामराज, कांस्टेबल राजेंद्र, कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, शुभकरण मनमोहन, दिनेश कुमार, मुकेश कुमार, दीनदयाल आदि ने दबिश देते हुए कैलाश प्रजापत उर्फ बाबा पुत्र श्री रतनलाल जाति कुमार उम्र 28 साल निवासी वगैरह को गिरफ्तार किया है। बाबा की गिरफ्तारी के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि उक्त आरोपी केकड़ी क्षेत्र में संचालित माइंसों में रंगदारी करने का काम करता है। आरोपी बाला गैंग का सक्रिय अपराधी है और आए दिन वारदातें करता रहता है, जिसके लिए पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। आपको बताते चले कि अभियुक्त कैलाश प्रजापत बाला गैंग का सक्रिय होने के साथ साथ लॉरेंस विश्नोई गैंग से भी जुड़ा हुआ है। अभियुक्त कैलाश प्रजापत बाला गैंग का सक्रिय सदस्य है, जो बघेरा एकल सिंगा गांव में चल रहे ग्रेनाइट माइंसों से रंगदारी वसूलने के लिए यूनिक माइंस बघेरा में भी डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। अभियुक्त कैलाश प्रजापत के विरुद्ध केकड़ी शहर, मालूपुरा, जयपुर सहित कई अन्य थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अभियुक्त कैलाश प्रजापत उर्फ बाबा आदतन अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसका लॉरेंस गैंग से भी संपर्क है। पूर्व में भी लॉरेंस गैंग के सदस्यों को शरण दी थी। आज केकड़ी शहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएस पुलिस अधीक्षक अजमेर चूनाराम जाट के निर्देश पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एक अवैध हथियार देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है।